अमेठी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मियों ने वितरण मंडल कार्यालय पर मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने कहा कि गरीब किसान व कर्मचारियों के भविष्य को दरकिनार कर जबरन निजीकरण करने की ठान रखी है, जबकि निजीकरण किसी भी मायने में फायदेमंद नहीं है। ऐसे में जब तक निजीकरण का प्रस्ताव रद्द नहीं किया जाता है, तब तक बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। धरना प्रदर्शन में अधिशासी अभियंता छैल बिहारी दिलीप कुमार यादव, पीके यादव, एसके सिंह, अमरजीत वर्मा, रविश कुमार पांडे, सीके पटेल, धर्मराज सिंह, मनोज पांडे, सुरेश यादव आदि मौजूद रहे। उपकेंद्र का सीएमएसपी ने किया निरीक्षण। जिलाधिकारी अरुण कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने हड़ताल के दृष्टिगत मुंशीगंज स्थित 132/11 केवी उपकेंद्र कोरवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपकेंद्र पर मौजूद स्टाफ की जानकारी ली एवं निरंतर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।